अवध तहां जहां राम निवासो तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशो जो पे सिय राम बन जाही अवध तुम्हार काज कुछ नाही। दीपोत्सव के इस अष्टम संस्करण कार्यक्रम में आज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में। आज जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सचित चंद शर्मा जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, मान्य विधायक गण, आज के समारोह में अपनी कृपा पूर्वक उपस्थिति के कारण इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धराचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मणिराम दास सावनी के श्री महंत जी के कृपा पात्र महंत कमल नयन दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी, श्री महंत राजकुमार दास जी, श्री महंत राम शरण दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, श्री महंत भरत दास जी, श्री महंत धर्मदास जी, जगतगुरु श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर, महंत संतोष दास जी, महंत रामदास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के हमारे सभी पूज्य संत जन, उपस्थित भक्तगण, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए
अत्यंत आलाधित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको समय कहा था, विश्वास करिए ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी, 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है, और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों,
अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं, यह अवसर है हम सबके लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।